भाई साहब, ऐसे हो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सोल्डिंग आयरन बना के दिखाने वाले हैं जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले मैं इस तरीके का एक 35 वाट का सोल्डिंग आयरन एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको मैं एक बार आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ। और खोलने के बाद आपको ये कैसा दिखता है, कैसा नहीं, इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है और इसके अंदर हम इस तरीके से इस तरीके की बिट मैंने 20 रुपये की ख़रीद ली है जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है। इस तरीके से इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए हम आसानी से इसको लगा सकें, इस तरीके से मैंने टीन कनस्तर की एक ये चादर ले ली है। चादर लेने के बाद मैंने इस तरीके का एक पीवीसी पाइप लिया है जिसकी मदद से हम इसके अंदर सेट कर सकें। तो सबसे पहले हमें इसी तरीके का एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा ताकि हम इस एलिमेंट को और इस सोल्डिंग आयरन बिट को हम इसके अंदर सेट कर सकें। तो हमको इसके इस तरीके से काट कर और बैंड कर कर हम इसको इसको मोड़ कर इस तरीके का बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। तरीके से मैंने इसको काट लिया है और काट लेने के बाद इसके अंदर हम ये एलिमेंट और ये बिट सेट करने वाले हैं। बिट सेट करने से पहले इसके अंदर हम वायर जोड़कर इस साइड से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस तरीके से हम इस हथौड़ी की मदद से पीट कर और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। आप वीडियो में बने रहें। पहले थोड़ा बड़ा साइज का है इसलिए हम इसको थोड़ा इस साइड से काट कर इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने कटर मशीन की मदद से इसको काट कर इस तरीके से छोटा कर लिया है। करने के बाद इसके अंदर हम एलिमेंट सेट कर लेते हैं। Oh,
चिपकाने के लिए हम इस तरीके की एम सील ले लेते हैं और इन दोनों एम सील को मिलाकर चिपका कर इस बिट को अच्छी तरीके से हम इसके एलिमेंट के ऊपर चिपका कर इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। आप वीडियो में बने रहे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एम सील अच्छी तरीके से मिलाकर लगा दी है और इसको आप 3 या 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दो। अच्छी तरीके से सूखने के बाद हम इसके अंदर इसको 3 कनस्तर की प्लेट के अंदर इसको अच्छी तरीके से सेट करने वाले हैं, तो 2-3 घंटे के लिए हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, मैंने बनाकर अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है और सूखने के बाद ये एम सील अच्छी तरीके से हो गई है और मैंने इसको ऑन कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो
मैंने इसके वायर इस बोर्ड के अंदर लगा रखे हैं, और इसके सामने मैं एक बार हाथ लगा कर दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल भी करंट नहीं मार रहा है और थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। और अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद मैं इसको यूज़ भी आपको करके दिखाने वाला हूँ, और आपको आप इसको पीछे से बंद भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से पीवीसी पाइप का ढक्कन काट कर और अच्छे तरीके से इसको बंद कर सकते हो। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, और गर्म होने के बाद मैं आपको इसको चला कर भी दिखाऊँगा कैसे वर्क करेगा, तो वीडियो में बने रहें। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरीके से वर्क करा मैंने। एक सोल्डरिंग वायर लेकर और इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से लगाने पर अच्छी तरीके से चल रहा, आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चल रहा है। और इसके सामने वाली मैंने एक डीसी मोटर पे इसको सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर रहा है। इस तरीके से मैंने इस मोटर के ऊपर सोल्डरिंग कर दी, अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।